एक मिनट हो गया गाइस, अब इसे मिक्स करना है। गाइस वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों से रेसिपी ब्लॉग नहीं आया गाइस, तो आज मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सोचा लो इसकी रेसिपी भी बता दूं। तो ये देखिए गाइस, मैंने लिए हैं सोया। आज मैं आलू सोया बनाने वाली हूँ। होती तो बहुत रेसिपी आसान है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को नहीं आती होगी, क्योंकि अगर इसमें आपने मसाले डाल दिए जो नहीं चाहिए तो उससे आपकी ये सब्ज़ी पूरी ख़राब भी हो सकती है। इसलिए एक बार आपको सीखना ज़रूरी है कि अगर आपने पहले नहीं बनाया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या डलता है, किससे इसका स्वाद अच्छा आता है, क्योंकि इसमें फालतू के ज़्यादा मसाले नहीं चल जाते हैं। अगर आपने डाल दिया तो उसमें फिर सोए का कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। इसका अपना इसकी अपनी खुशबू इतनी अच्छी होती है। तो गाइस इसलिए मैं सिखा रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, आप एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए। बाकी आप अपनी तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाइए जिसमें आपको सोए का अच्छा फ्लेवर और स्वाद आए। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इससे अचार भी, अचार में भी डालते हैं हम सिरका, और उसके साथ बनाती हूँ, वो भी मैं कभी आपको बताऊँगी। तो अभी गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने लिए हैं 100 ग्राम सोया की गड्डी एक थी, उसको अच्छी तरह से धो के मैंने वॉश कर लिया है, साइड में कर देते हैं। और मैंने लिए हैं 2 बड़े और 1 छोटे आलू। आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ मसाले सिर्फ नहीं जाएंगे। 1 चम्मच जीरा लिया है, और कुछ दाने मैंने ये लिए हैं मेथी के बीज, और ये मैंने लिए हैं 3 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च। इनको मुझे महीन महीन काटूँगी, मैंने चॉप करूँगी अच्छी तरह से, और सोया को भी अच्छी तरह से महीन महीन चॉप कर लेना गाइज। उसके बाद मैं मिलती हूँ ये सब प्रिपरेशन करके। आलू को आप अपने हिसाब से चाहे जैसे काट लें, मैं थोड़े लंबे काटने वाली हूँ आज, दिखने में अच्छे लगेंगे बस इसलिए। तो गाइज रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। गाइज ये देखिए मैंने इसे चॉप कर लिया है ठीक से, और ये हरी मिर्च और लहसुन भी काट लिए हैं महीन महीन, और आलू को मैंने ऐसे काट लिया है, और साथ ही साथ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। अब इसमें डाल देते हैं ऑयल। सरसों का तेल चाहिए इसके लिए, साग वाली चीज़ों के लिए हमेशा सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए। आप एक बार खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट अच्छा लगने लगेगा, अगर आपने नहीं खाया है तो। गैस ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें अपना जीरा और मेथी डाल देते हैं, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे जो हमने लहसुन और हरी मिर्च काटी है। लहसुन को थोड़ा ब्राउन होने देंगे, इसके बाद हम सबसे पहले इसमें आलू ऐड करेंगे। गाइस जब मैं इसमें डाल लूँ थोड़ी सी हींग, ये गार्लिक भी हो गए मेरे ब्राउन, तो मैं इसी में पहले सबसे आलू ऐड कर दे रही हूँ। गाइस आलू मैंने डाल दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसे फ्लेम मीडियम करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी नमक नहीं डालना है हमें, क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगेगा। अगर आप अभी आप सोया इसमें मिला देंगे तो सोया ज़्यादा जल जाएगा, और या फिर उसका स्वाद वैसा नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। तो 2 मिनट के लिए आलू पहले पका लेना है, फिर इसमें मैं सोया ऐड करूँगी। गाइस मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट हो गया है, इसे देख लेते हैं। बीच में मैंने एक बार चला दिया था, अब 1 मिनट पे इसे एक बार चला दें। देखिए अब इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक। मैंने ले लिया 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड कर दें, बाकी अपने टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें आप सोया ऐड कर दें। फ्लेम को धीमा करके इसे ढक दें, इसे 1 मिनट के लिए ढक देना है, उसके बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। 1 मिनट हो गया गाइस, अब इसे मिक्स करना है। ये देखिए गाइस मैंने ठीक से इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे, और वापस से इसे ढक के रख देंगे, और इसे हर 2 मिनट में चलाते रहेंगे,
2 मिनट बाद देखिएगा, ऑलमोस्ट ये पक चुका होगा। उसके बाद देख लेंगे कि थोड़ी देर और पकाना है या नहीं। 2 मिनट में यह काफ़ी हद तक पक जाएगा। जब इसे चेक कर लेती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसे चला देते हैं गाइस। अभी आलू थोड़े से कच्चे हैं, अब आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। गाइस बीच में मैंने इसे चेक कर लिया था, मेरे आलू तो यह रेडी हैं। इसमें आलू थोड़े कुरकुरे से चाहिए, लाल होने चाहिए, इसीलिए मैंने नमक बाद में डलवाया था, तो ऐसा होना चाहिए। तो मेरे अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, अब ये बन के रेडी है। गैस मेरे क्रिस्पी क्रिस्पी आलू सोया रेडी हैं। आप कम क्रिस्पी रख सकते हैं, आप सॉफ्ट आलू के साथ भी बना सकते हैं, मुझे जैसे पसंद है मैंने वैसे बनाया हुआ है। हमें थोड़े लाल लाल आलू चाहिए और थोड़े कच्चापन भी कम कर देती हूँ मैं, जिससे कि बच्चे भी खा लें, तो मुझे ऐसे पसंद है। आपको जैसे थोड़ा पसंद हो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं गाइस। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। इसके साथ गाइस दाल तड़का बनाते हैं, दाल तड़का, दाल फ्राई, ये रोटी के साथ नहीं खाते नॉर्मली। बच जाए तो आप इसकी स्टफिंग से पराठे ज़रूर बना सकते हैं, बट इसे नॉर्मली दाल चावल के साथ ये रेसिपी जाती है, तो आप उस तरह से ही ट्राई कीजिएगा। इसके साथ दाल तड़का या दाल मखनी या कोई भी दाल आप इसके साथ ले सकते हैं, छोले के साथ भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ब्लॉग को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।